Hi everyone, welcome back to my channel. I hope all of you are doing well. So today I'm going to share with you the review of a newly launched product from Blue Heaven. Blue Heaven एक ऐसा ब्रांड है गाइस जो कि इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है और इनके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुकी हूँ ऑन माई चैनल. सो दिस इज़ नॉट एट ऑल अ स्पॉन्सर्ड वीडियो गाइस. ये मैंने खुद परचेस किया है फ्रॉम purple.com क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा है अभी टू ट्राई ऑल दीज ब्यूटिफुल अफोर्डेबल लॉन्चेस. सिर्फ ब्लू हेवन नहीं है गाइज, इनसाइड कॉस्मेटिक्स, स्विस ब्यूटी, मार्स, दे आर लॉन्चिंग अमेजिंग प्रोडक्ट्स एट अफोर्डेबल प्राइसेस और मुझे ये सारे प्रोडक्ट्स को ट्राई करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मन था गाइज. कमिंग टू दिस प्रोडक्ट, मैंने पहले इसको देखा था ऑन purple.com. प्राइम एंड साइन फ्लॉलेस इल्यूमिनेटिंग प्राइमर प्लस स्ट्रोब क्रीम और ये टू सेट्स में लॉन्च हुआ है एंड आई गॉट बोथ द सेट्स विद मी. सो दिस इज ब्लू हेवन प्राइम एंड साइन फ्लॉलेस इल्यूमिनेटिंग प्राइमर प्लस स्ट्रोब क्रीम. सो जो भी इसका पैकेजिंग फर्स्ट ऑफ ऑल देखेगा दे विल थिंक लाइक दिस इज अ रियली कॉस्टली प्रोडक्ट. मतलब पैकेजिंग वाइज तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है. इस रेंज में पर्टिकुलरली जो भी प्रोडक्ट्स उन्होंने लॉन्च किया है सारे प्रोडक्ट्स में आपको मिलेगा स्किन केयर इन मेकअप, दैट इज द बेस्ट पार्ट. इसमें यूज हुआ है नाइसिनामाइड एंड विटामिन सी. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव सिल्वर पिंक शेड एंड सेकेंड आई हैव गोल्डन पिंक. सो पैकेजिंग के ऊपर इन डिटेल्ड उन्होंने सारा कुछ मेंशन किया हुआ है एक्चुअली. सो यहाँ पे इसका इंग्रेडिएंट्स मेंशन है ऑन दिस साइड, आप देख सकते हैं. सो यहाँ पे पैराबेन मेंशन नहीं है एक्चुअली. सो दिस इज अ पैराबेन फ्री प्रोडक्ट. दिस इज अ मल्टीटास्किंग प्राइमर फॉर हाइड्रेटिंग एंड ल्यूमिनस ग्लो ऑन फेस. ब्लेंड्स इजिली, इंस्टेंट रेडियंस देता है. नाइसिनामाइड है विच हाइड्रेट्स एंड मिनिमाइजेस पोर्स. इसमें विटामिन सी भी है जो कि ब्राइटेंड अप करता है स्किन को एंड हमारे स्किन को प्रोटेक्ट भी करता है. इसका जो नेट कॉन्टेंट है दैट इज 25 grams, विच इज अगेन अ गुड क्वांटिटी आई वुड से. इसका जो प्राइस है दैट इज ₹300, विच इज अगेन अफोर्डेबल और इसके ऊपर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन purple.com. मैंने इसको लिया था फ्रॉम पर्पल रिसेंटली. मुझे जहाँ पर भी इसका लिंक मिल जाएगा, इस प्रोडक्ट का लिंक, आई डेफिनेटली मेंशन दैट इन द डिस्क्रिप्शन. आप डायरेक्टली इसको बाय कर सकते हो. बहुत ही अच्छा मुझे इसका पैकेजिंग लगा और इसमें भी हमको पंप मिल जाता है विच इज रियली सो गुड गाइज. एक साइड में अप्लाई करूंगी गोल्डन पिंक और इस साइड में मैं अप्लाई करूंगी द अदर साइड एंड आई विल शो यू द डिफरेंस. तो पहले मैं गोल्डन पिंक को अप्लाई कर लेती हूँ और इसमें आज सच कुछ स्मेल नहीं है. आई डोंट डिटेक्ट एनी स्मेल इन दिस, विच इज अगेन रियली सो गुड. सो इसका कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है लाइक दिस. इसको मैं यहाँ पे अप्लाई कर लेती हूँ. आई कैन सी अ पिंक ग्लो ओवर योर गाइज. मैं एक पिंक का टेंट देख सकती हूँ एक्चुअली. एक बहुत अच्छा पिंकिस ग्लो मिल रहा है मुझे यहाँ पे एक्चुअली. एंड यू कैन सी द साइन. बहुत ही नेचुरल लग रहा है, कोई भी चंकी ग्लिटर नहीं है एंड दिस इज नॉट ओवरली मॉइस्चराइजिंग ऑन स्किन. आज दिस इज अ प्राइमर, इसमें आपको बिल्कुल भी ऐसा कुछ एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा. सो आपको एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर भी अप्लाई करना पड़ेगा बिफोर अप्लाइंग दिस प्रोडक्ट ऑन योर फेस. बहुत ज़्यादा स्मूथ लग रहा है यहाँ पे एक्चुअली. आई कैन फील द स्मूथनेस और मेरा जो पोर है आई कैन सी लिटिल बिट ऑफ ब्लरिंग इफेक्ट एज वेल गाइज. पोर्स आर नॉट दैट विजिबल राइट नाउ. मेरा तो ज़्यादा पोर का इश्यूज नहीं है, स्टिल देन आई हैव गॉट लिटिल बिट ऑफ पोर्स. सो आई कैन सी द ब्लरिंग इफेक्ट, दे आर नॉट दैट विजिबल राइट नाउ. ज़्यादा व्हाइटिश काइंड ऑफ ग्लो नहीं है. सो इसमें पिंक का ग्लो आ रहा है. सो डेफिनेटली कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, पर्टिकुलरली डार्कर स्किन टोन्स भी इसको ले सकते हैं. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू ट्राई आउट द सेड सिल्वर पिंक और मैं इसको यहाँ पे अप्लाई कर लूँगी. सो इसका जो टिंट है इट इज़ सिल्वरी पिंक. ये बहुत ही ज़्यादा पिंक नहीं है. दिस सेट लुक्स मोर पिंकिस देन दिस वन. सो ऑब्वियसली दिस सेट सिल्वर पिंक इज रियली गुड फॉर फेयर स्किन टोन्स एंड दिस वन इज रियली गुड फॉर मीडियम टू डस्की टू डीपर स्किन टोन्स. ब्लेंडिंग में मुझे कुछ भी इश्यूज नहीं हुआ गाइज. सो गाइज दे हैव मेंशन लाइक दिस इज एन इल्यूमिनेटिंग प्राइमर एंड ऑल्सो अ स्ट्रोब क्रीम. सो ऑब्वियसली आप इसको यूज कर सकते हो एज अ प्राइमर. मेकअप से पहले आप इसको यूज कर सकते हो और आपको अलग से प्राइमर और इल्यूमिनेटर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. टू इन वन प्रोडक्ट है और इसको आप स्ट्रोब क्रीम के तरीके से भी यूज कर सकते हो. सो एज अ हाइलाइटर ऑल्सो आप इसको यूज कर सकते हो. सो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू ट्राई इट आउट लाइक दैट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू ट्राई आउट द सेट सिल्वर पिंक. यहाँ पे आप देख सकते हैं इट इज़ गिविंग अ वेरी सटल काइंड ऑफ लुक. बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली ब्लाइंडिंग काइंड ऑफ हाईलाइट नहीं दे रहा है. सो अगर आपको नेचुरल लुक चाहिए आप इसको यूज़ कर सकते हो एज अ हाईलाइटर. बट एज अ मेकअप लवर मैं इसको एज हाईलाइटर ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी गाइस, टू बी ऑनेस्ट. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज़ द सेट गोल्डन पिंक और इसको मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी. आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया है. सो मैंने इसको यहाँ पे अप्लाई कर लिया और यहाँ पे भी मैं देख सकती हूँ थोड़ा सा हाईलाइटिंग इफेक्ट.
बहुत ही ज्यादा मुझे हाइलाइटिंग इफेक्ट नहीं मिल रहा है एक्चुअली. सो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू यूज अ पाउडर हाइलाइटर. सो गाइस आई एम बैक विद माय होल फेस अप मेकअप और मेरा मेकअप बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है गाइस. इट्स लुकिंग वेरी नेचुरल एंड ड्यूई और यहाँ पे मेरा पोर्स अभी विजिबल नहीं है. बहुत ही अच्छा फ्लॉलेसली मेरा मेकअप भी हो गया. कमिंग टू रिकमेंडेशन, दिस इज अ रियली गुड प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लू हेवन और आप इसको जरूर ट्राई आउट कर सकते हो. अगर आपको इस तरीके का और न्यूली लॉन्च्ड अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स का रिव्यू देखना है, टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल और इस वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं. मेरा इंस्टा हैंडल है glam_your_look. सो वंस अगेन आई विल बी बैक. बाय बाय, टेक केयर, लव यू.